मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को नादौन विधानसभा क्षेत्र के गांव जोरसप्पड़ में निर्माणाधीन डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के नए कैंपस का निरीक्षण किया तथा कॉलेज के अधिकारियों एवं निर्माण कार्य कर रहे कंपनी के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कॉलेज के सभी भवनों के कार्य निर्धारित अवधि में पूरे होने चाहिए, इन कार्यों में अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का इस कॉलेज का कार्य युद्ध स्तर पर करवाया जा रहा है तथा यहां अत्याधुनिक सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में यहां नर्सिंग कॉलेज और कैंसर केयर यूनिट की स्थापना भी की जाएगी, इसलिए इनसे संबंधित सभी औपचारिकताएं एवं प्रक्रियाएं भी समय पर पूरी होनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने जसकोट के निकट हेलीपोर्ट के लिए प्रस्तावित साइट का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, नहीं हेलीपैड के लिए नहीं, ये हेलीपोर्ट के लिए है। हेलीपोर्ट अलग चीज होती है और हेलीपैड अलग चीज होती है जी। तो हम हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों को हेलीपोर्ट से जोड़ना चाहते हैं। हमीरपुर जिला भी उसमें एक महत्वपूर्ण जिला है। तो जब मैं आज हमीरपुर के अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आया तो मैंने पाया कि मैं जो हेलीपोर्ट जहाँ बनना है और हिमाचल के लोगों को जो हमने हेलीपोर्ट और हेली टैक्सी की सुविधा देनी है उसकी साइड तो देखूंगी कौन सी है। उस दृष्टिकोण से मैं आज यहाँ आया हूँ। पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारा उद्देश्य है कि आने वाले 1.5-2 वर्ष में हम हेलीपोर्ट से पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करें और जो हिमाचल के आम नागरिक है उनको ये सुविधा उपलब्ध करवाएं। नादौन में वेलनेस सेंटर और एक हमारी और लैंड है, दोनों लैंड का हमने देखा है और आने वाले समय में उस पर हम बजट एलोकेट करके उस पर काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य तीव्र गति से काम करवाने का। इस दृष्टिकोण से हमने नादौन में 1-2 साइट्स देखी है जिसमें वेलनेस सेंटर है या कोई और कम्युनिटी सेंटर बनाना होगा, वाटर स्पोर्ट्स होगा और एक हमने एक होटल का भी है। तो जैसी वो हमने साइटें देखी, अच्छी साइटें, और उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे और आगे उसमें हम बढ़ेंगे।